Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, Class 8, Ganit, Adhyay 14, Exercise 14.3, Gunankhandikaran ya Gunankhandan. आज हम इसका फोर्थ सम करेंगे. निर्देश अनुसार भाग दीजिए या निर्देश अनुसार भाग करो. ठीक है बेटा, इसका हम फर्स्ट सम करेंगे. हाँ जी, देखो बेटा क्या स्टेटमेंट है. 5 2x + 1 3x + 5 / 2x + 1 किमें लिखेंगे. 5 2x + 1 3x + 5 बटे च क्या आएगा, 2x + 1. 2x + 1 ऊपर भी गया थल्ले भी गया, कट्टे गए बच के गया 5 3x + 5 यही बचे है. ये साडा बेटा की हो गया आंसर. नेक्स्ट हम देखो बेटा 26x + 5 x - 4 (13x - 4) / 13x - 4 किमें लिखेंगे. इनू 26xy (x + 5 y - 4) / 13x (y - 4). ठीक है, y माइनस फोर ना y माइनस फोर कैंसल आउट हो गई, x ना x कटे गया, 13 2 = 26 ए भी कैंसल आउट हो गया, ऊपर की बच गया 2y नल की आ गया बेटा x + 5 ये हो गया बेटा तुहाडा आंसर. नेक्स्ट हम देखो बेटा x x + 1 x + 2 x + 3 / x x + 1 किमें लिखांगे. नो x x + 1 x + 2 x + 3 ओवर च की आएगा x + 1 जो इतने लिखा से x + 1 x + 1 कैंसल आउट हो गया, x नाल x कटे की बच की गया x + 2 / x + 3 ये हो गया बेटा आंसर. हाँ जी बेटा, जड़े सम मैं तुहानू हुण करवाए ने उहदे रिलेटिड है दो सम होमवर्क लई ने, ऐ तुसी बेटा खुद ट्राई करना. हाँ जी बेटा, नैक्सट देखो व्यंजक के गुणनखंड करो और निर्देश अनुसार भाग दीजिए या भाग करो. व्यंजक के गुणनखंड करो तो निर्देश अनुसार भाग करो. व्यंजक के गुणनखंड करो निर्देश अनुसार भाग करो का फर्स्ट हम देखो बेटा y² + 7y + 10 / y + 5 बेटा ये भी सम सेम एज इट इज़ करने ने, पर यदि पहले आप व्यंजक जरा दिता है ये गुणनखंड कढ़ने ने, उस तो बाद भाग करना है. ठीक है, की गया y² + 7y + 10 यदि गुणनखंड किमें करना तुम दस्या है बेटा. यदि अगे 1 लिखा 10 / 1 ने मल्टीप्लाई करावे 10 कि यहोजा नंबर लियाना है कि मल्टीप्लाई करें तो साढ़े को 10 आए तो प्लस करिए या माइनस करिए तो साढ़े को आए 7. 5 ते 2 हो जाएगा, 5 ने 2 ना गुणा करेंगे 10, 5 विच 2 जमा करेंगे 7 कि इनू लिख लेंगे आप y² 7y नू तोड़ के आप लिख सकते हैं बेटा 5y + 2y. ठीक है, मैं पिछले सम्स बेटा करवाया है, इतने साढ़े की आ गया 10. इन्हों दोवों में बेटा वाई बाहर काट लेना, अंदर की बच गया यद को 2y से 1 बाहर आ गया, अंदर की बच गया 1y, y + 5 आ गया. यद को बेटा 2 यद को भी गया 5 2 = 10 2 यद को भी गया, जमा का 2 बाहर काट लिया, अंदर की बच गया y + 5 ए भी सेम आ गया, भी सेम आ गया, केड़ा एक फैक्टर बन गया y + 5, दूसरा केड़ा बन गया y + 2. ठीक है, हुण जिहड़ी स्टेटमेंट दित्ती हुई सी ए लिख के साइड ते इहदी जगह की लिख देना ए वाली रकम. ठीक है, देखो मैं सॉल्व कर दी हाँ, तुहानू पता चल जाएगा y² + 7 + 10 / की है y + 5. ठीक है, हुण इहदी जगह साडे को की आ गया सी y² + 7y दी जगह की आ गया y + 5, इधर की आ गया y + 2 / y + 5. ठीक है, y + 5 ना y + 5 कैंसल आउट हो गया, बच की गया ऊपर साढ़े को सिर्फ y + 2, यही साढ़ा बेटा आंसर है. ठीक है, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम देखो 5p² - 25p + 20
डिवाइडेड बाय पी माइनस वन। पहले अपन इन्हें सॉल्व करेंगे, 5p² माइनस 25p प्लस 20, सारे पाँच ज्यादा पे बाहर काट लिए, अंदर की बच गया देखो पी स्क्योर, 5 × 5 = 25 होंगे, 5 बाहर आ गया, अंदर की बच गया 5, 5 × 4 = 25 बाहर आ गया, अंदर की बच गया 4। ठीक है, साढ़े को की आ गया बेटा ए वाली टर्म आ गई। हुण देखो यहोजा नंबर की मल्टीप्लाई कराने साढ़े को बेटा 4 आए, प्लस या माइनस कराने 5 आए, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 कि आ गया प्लस 4 माइनस 4। देखो मल्टीप्लाई करा ये अगे की है 1, 1 4 ने मल्टीप्लाई कराया 4, मल्टीप्लाई कराने 4 आए तो प्लस माइनस करा के की आए साढ़े को माइनस 5। कि दो नंबर आने बेटा माइनस 4 एक ना गुणा करावे माइनस 4 माइनस 1 ना गुणा करा 4, माइनस 4 विच माइनस 1 जमा करा कि माइनस 5। इनू आप तोड़ के लिख सकते हूँ पी स्क्योर माइनस 4p माइनस 1p प्लस 4, इन्होंने दोवों चो की कॉमन निकलेगा बेटा पी, अंदर की बच गया पी माइनस 4, इचो माइनस 1 बाहर निकलिया, अंदर की बच गया बेटा पी माइनस 4। कि फैक्टर बन गए हूँ एक पी माइनस 4, एक की बन गया पी माइनस 1। ठीक है, हुण उहदी जगह आप उपर लिख लेंगे कि आता पाया सीधे साढ़े को 5p स्क्योर माइनस 25p प्लस 20 अपॉन पी माइनस 1। हुण इहदी जगह की लिख सकते हैं आप ऐ जो आया सॉल्व करके उपर वाली जगह 5p माइनस 4 पी माइनस 1 ओवर च की आया साढ़े को पी माइनस 1, पी माइनस 1 ना पी माइनस 1 कैंसल आउट हो गए, बच के किया ताड़ी को बेटा 5p माइनस 4, ये ताड़ा बेटा की हो गया आंसर। ठीक है, हाँ जी बेटा नेक्स्ट हम देखो 5p² माइनस q² डिवाइडेड बाय पी 2p ब्रैकेट की आता पे नाल 2p दे पी प्लस क्यू, इत बेटा डिवाइड द साइन है ओ इज इक्वल्स टू पै गया गलती ना। ठीक है, किमें करेंगे इन बेटा देखो 5p³ p² माइनस q² इनू कि लिख सकते हैं आप 5p³ a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस बी, तुम इतने लिख सकते हो बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b तो a प्लस b। ठीक है, हुण आप उपर वाला लिखांगे इधर 5p³ माइनस q² दिता है, डिवाइड कि करवाया सी 2p पी प्लस q ना, उपर वाले नू सॉल्व करके साढ़े को आ गया अगली टर्म 5p³ पी प्लस q ते पी माइनस q, तो थले की गया सी बेटा ओवर च 2p पी प्लस q। ठीक है, पी प्लस q ना पी प्लस q कैंसल आउट, पी नाल पी कैंसल आउट, की बच गया बेटा साढ़े को 5q ऊपर की बच गया पी माइनस q, ओवर च की बचा बेटा 2, ये साढ़ा बेटा की हो गया आंसर। हाँ जी बेटा नेक्स्ट हम देखो 39y³ 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y² 5y प्लस 7। 39y³ 50y² माइनस 98। ठीक है, इनू आप कि लिख सकते हूँ बेटा 39y³ एज इट इज़ रहता, इन्होंने दोवों चुकी कॉमन मिल गया 2, अंदर की बच गया 25y² अंत की बच गया 49। हम 39 जो आप 2 ना मल्टीप्लाई करवावे कि आएगा बेटा 78y³, इदा की बन जाएगा साढ़े को 5y का स्क्योर, इतने की बन जाएगा 7 का स्क्योर, एक केड़ा फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का, की आएगा 5y प्लस 7 तो 5y माइनस 7 नाल बार किया गया 78y³। हुण इहनू किद्दां लिख सकते हैं आप 39y³ दिता सी उपर नाल 50y² माइनस 98, ओवर च की सी साढ़े को 26y² 5y प्लस 7। हुण उपर वाली टर्म नू सॉल्व करके की आया बेटा साढ़े को 78y³ 5y प्लस 7 5y माइनस 7।
ओवरच की आ गया साढ़े को 26 वाई स्क्योर 5 वाई प्लस 7। ठीक है, हम देखो बेटा इत वाई स्क्योर है, ऊपर वाई क्यूब है, कटे गया ऊपर एक बच जाएगा वाई वन, 5 वाई प्लस 7 ना भी कटिया गया कि बचा 78 अपॉन 26 नल वाई नल 5 वाई माइनस 7। हम 26 से 78 की कटिंग हो जाती है, हाँ जी कि टेबल से होंगी है 26 के टेबल से आनी 3 से जाना है, कि आ गया 3 वाई नल की आएगा 5 वाई माइनस 7, ये ताडा बेटा की हो गया आंसर। हाँ जी बेटा जेडे मैं सम तुम हूँ करवाए ने ये रिलेटिड है 3 सम, तुसी खुद ट्राई करने ने, ये ताडे होमवर्क लिए ने।